नमस्कार दोस्तों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रस्तावना कौशल कैसे तैयार करें। बीएड के अंदर बीएचटीसी कर रहे हो आप या बीएड कर रहे हो, 4 साल की बीएड हो या 2 साल की बीएड हो, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है हमारा प्रस्तावना कौशल। आज हम सीखेंगे कि एक प्रस्तावना कौशल कैसे हम तैयार कर सकते हैं। ये जो आपको प्रारूप दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्रस्तावना कौशल का प्रारूप है। इसके अंदर सबसे ऊपर ऊपर लिखा होता है सूक्ष्म पाठ योजना, क्योंकि सूक्ष्म पाठ योजना को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म पाठ योजना में हमारे 5 प्रकार के लेसन होते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला होता है हमारा प्रस्तावना कौशल, दूसरा होता है प्रश्न कौशल, तीसरा होता है उदाहरण कौशल, चौथा होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल और पांचवा पॉइंट होता है हमारा श्याम पट्टी कौशल। सबसे पहला हमारा है प्रस्तावना कौशल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना कौशल। तो जब भी हम प्रस्तावना कौशल बनाते हैं, तो सबसे पहले हम किस कक्षा के लिए हम प्रस्तावना तैयार कर रहे हैं वो हमें डिसाइड करनी होती है। जैसे हम कक्षा 8 के लिए कर रहे हैं, 9 के लिए कर रहे हैं, 10th के लिए कर रहे हैं, 11th के लिए कर रहे हैं या 12th के लिए। जिस भी क्लास में आप प्रस्तावना बनाओगे, तो पहले आपको उस कक्षा को यहाँ पे लिखना है कि कौन सी कक्षा के लिए आप उसको बना रहे हो। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं कक्षा 8 के लिए, इसके लिए ले रहे हैं कक्षा 8 के लिए। अब कक्षा 8 के अंदर आपका जो विषय है, चाहे आपका विषय हिंदी हो, राजनीति, सामाजिक विज्ञान हो, विज्ञान हो, गणित हो, जो भी आपका विषय है उसका एक पॉइंट आपको लेना है। मान लीजिए आप अध्याय 1 पढ़ा रहे हैं, तो अध्याय 1 के अंदर जो भी आप पॉइंट पढ़ा रहे हो उस पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर ले रहे हैं कक्षा 8 का जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है मौलिक अधिकार। हम यहाँ पर प्रस्तावना बना रहे हैं मौलिक अधिकारों के ऊपर, तो हमारा जो प्रकरण होता है, टॉपिक होता है, वो हम क्या लिखेंगे, मौलिक अधिकार। सभी प्रस्तावनाएं एक जैसी बनेंगी। एक जैसी का मतलब कक्षा आपको डिसाइड करनी है, उसके बाद में जो भी आपका प्रकरण है वो आपने लिखना है, उसके बाद में दिनांक आपको लिखनी है जिस भी दिन आप उसको प्रेजेंट करोगे, चाहे आप कॉलेज में कर रहे हो या फिर विद्यालय में कर रहे हो। उसके बाद में उसकी जो प्रस्तावना का जो टाइम होता है 5 से 7 मिनट। एक प्रस्तावना को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में हमें कम तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। और प्रस्तावना के अंदर हम टोटल 5 प्रश्न बनाते हैं। कितने प्रश्न बनाते हैं? 5 प्रश्न। और उन 5 प्रश्नों को बच्चों से जब पूछते हैं, तो उसकी जो समय टाइमिंग होती है वो होती है हमारे 5 से 7 मिनट। तो हर जो प्रस्तावना कौशल है या फिर जो भी हमारा माइक्रो टीचिंग हो, उसका हर लेसन का लगभग टाइम क्या होता है, 5 से 7 मिनट। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में हमारा पॉइंट आता है पर्यवेक्षक का नाम। यहाँ पर जो भी हम लेसन प्रेजेंट कर रहे हैं, कक्षा में कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, उसके को जो ऑब्जर्व करता है, वहां पर हमारा जो टीचर होता है वो हमें ऑब्जर्व करता है कि हम प्रस्तावना किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, प्रेजेंट किस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो हमारे जो पीछे जो प्रेवक्स बैठे होते हैं, टीचर बैठे रहते हैं, उनका हमें यहाँ पर नाम लिखना होता है प्रेवक्स के नाम के अंदर। उसके बाद में हमारे टॉपिक का नाम आता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के अंदर जो आपको सारणी दिखाई दे रही है, सबसे पहले है अध्यापक क्रिया, उसके बाद में छात्र क्रिया, उसके बाद में घटक। ये जो हमारा फॉर्मेट है सारणी के अंदर, सबसे पहले लिखा है अध्यापक क्रिया, उसके बाद में लिखा है छात्र क्रिया, उसके बाद में लिखा है घटक। जो अध्यापक क्रिया है, यानी हम जो माइक्रो टीचिंग प्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या है, अध्यापक हैं उस कक्षा के लिए। तो अध्यापक जो भी क्रिया करेगा, जो भी प्रश्न पूछेगा, वो यहाँ पर हमें अध्यापक क्रिया में लिखना है। उसके बाद में जो भी बच्चे छात्र जो प्रश्न के विपरीत प्रतिक्रिया देंगे, जो भी हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आंसर बच्चे प्रतीत करेंगे, तो वो जो आंसर देंगे वो हमें क्या लिखना है, छात्र क्रिया के अंदर लिखना है। और उससे रिलेटेड कोई भी घटक है, कोई भी कमेंट है जो हमारे प्रेरक से कुछ कमेंट देंगे, वो हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हमें इन तीनों पॉइंटों के अंदर, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और घटक के अंदर, अध्यापक क्रिया के अंदर जो भी अध्यापक है, जो भी प्रशिक्षु है, वो क्या करेगा, 5 प्रश्नों का निर्माण करेगा। मिनिमम कितने प्रश्न होने चाहिए, 5, अधिकतम आप 7 प्रश्नों का भी निर्माण कर सकते हो। तो हम मिनिमम 5 प्रश्नों का निर्माण हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना कौशल में कम से कम 5 प्रश्न तो निर्माण करना ही है। तो जो भी हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे, उन प्रश्नों का जो भी प्रत्युत्तर होगा, जो भी प्रत्युत्तर बच्चे देंगे, उसे हमें यहाँ पर छात्र क्रिया के अंदर लिखना है। जो भी उसका संभावित उत्तर छात्र यहाँ पर देंगे, उसे हमें कहाँ लिखना है, छात्र क्रिया में। उनके अंदर जो बीच में घटक होते हैं, जो कोई कुछ पॉइंट होते हैं, उन्हें हम कहाँ पर लिखते हैं, घटक के अंदर लिखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना कैसे बनाएंगे।
तो मौलिक अधिकार जो हमारा प्रकरण है उसके अंदर जो हमारा पांचों प्रश्न होगा वो पांचों प्रश्न क्या होना चाहिए, क्योंकि टोटल कितने प्रश्न बनाने में 5 प्रश्न बनाने हैं। तो 5 प्रश्नों के अंदर हम यहाँ पर उल्टा चलेंगे। किस प्रकार से चलेंगे? उल्टा चलेंगे, क्योंकि अगर आपको जल्दी से प्रस्तावना बनानी है या फिर सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तावना का निर्माण करना है तो आपको अंत से पहले की तरफ आना, क्या करना है, पांचवें प्रश्न से पहले प्रश्न की तरफ बढ़ना होगा। तो हमारा जो पांचों प्रश्न है वो क्या होगा, क्योंकि हमें टॉपिक क्या पढ़ाना है बच्चों को, मौलिक अधिकार। तो हमारा पांचवा प्रश्न क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हैं, कि बच्चों मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हो। और ये जो पांचवा प्रश्न है हमारा, इस पांचवे प्रश्न का बच्चों से उत्तर हमें जानना है, और बच्चों से इस प्रकार से हमें जानना है कि बच्चे इसका पूरा उत्तर ना दे पाए, क्योंकि अगर बच्चों को ये टॉपिक पूरा पहले से आता है तो आप इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को पहले से आता है, और पहले से अगर उनको टॉपिक आ रहा है तो उसे आप दोबारा से जब पढ़ाओगे तो आप उनको नई चीजें कुछ भी नहीं सिखा रहे। और तो आपका जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हो। इस बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का संभावित उत्तर देंगे, क्या देंगे, संभावित उत्तर, यानी कुछ मात्रा में कुछ बच्चे उत्तर दे भी सकते हैं लेकिन वो भी पूरा उत्तर ना दे पाए। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न पूछना है, मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हो। तो ये बच्चों के लिए क्या बन गया, एक समस्यात्मक प्रश्न बन गया। अब इस समस्या को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, उस टॉपिक को आगे पढ़ाना स्टार्ट करोगे। लेकिन पढ़ाने से पहले कि ये जो 5 प्रश्न है ये आपको निर्माण करने, तो इन 5 प्रश्नों में जो पांचों प्रश्न है हमारा वो है मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हो। अब जो हमारा मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हो, पांचों प्रश्न है, इस प्रश्न में ही हमें कुछ ना कुछ उत्तर ढूंढना है, और इसमें हम उत्तर ढूंढ सकते हैं मौलिक अधिकार। क्या ढूंढ सकते हैं, मौलिक अधिकार। अब ये जो पांचों प्रश्न है, ये पांचों प्रश्न 4 नंबर के जो प्रश्न है, प्रश्न का जो उत्तर है उसी से निर्माण किया गया है। अब हमारा जो इसमें से कोई ना कोई उत्तर निकालते तो हम निकालते हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। हमारे जो मूल रूप से मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में वो कितने हैं, अभी 6 हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखते हैं 6 प्रकार, और इसी 6 प्रकार इसी से हम बनाते हैं 6 मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हो। तो पांचवा प्रश्न क्या बन गया हमारा, मौलिक अधिकारों या 6 मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हो। अब हमारा जो 4 नंबर का जो प्रश्न का जो उत्तर है, यहाँ पर उत्तर पहले आएगा, प्रश्न हमें बाद में बनाना है। तो 4 नंबर का जो उत्तर है वो क्या है, 6 प्रकार के। अब हमारा प्रश्न क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार कितने होते हैं, कौन सा होना चाहिए, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे क्या उत्तर देंगे, 6 प्रकार के। और हम लास्ट में क्या पूछेंगे, 6 मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हो। तो बच्चे 1 का बता सकते हैं, 2 का बता सकते हैं, 3 का बता सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में कंप्लीटली बच्चे नहीं बता सकते। तो हमारा जो अंतिम प्रश्न रह जाता है वो क्या होता है, समस्यात्मक प्रश्न। अब हमारे जो 2 प्रश्न है वो तैयार हो चुके, 4 नंबर और 5 नंबर। अब मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, इसका उत्तर क्या आ गया, 6 प्रकार। अब जो 4 नंबर का जो प्रश्न है इसी से हमें एक उत्तर निकालना है, और वो क्या होगा, 3 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा, और फिर उस प्रश्न उत्तर से हम क्या बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। तो 3 नंबर के अंदर हम अगर उत्तर निकालें तो उत्तर हमारा निकलता है मौलिक अधिकार, क्या निकलता है, मौलिक अधिकार। अब हमें एक ऐसा प्रश्न यहाँ पे बनाना है जिसका उत्तर क्या हो, मौलिक अधिकार हो। तो चलिए हम एक प्रश्न बनाते हैं। हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए क्या प्रदान किए गए हैं। ये प्रश्न जब हम बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे उत्तर क्या देंगे, मौलिक अधिकार दिए गए। संभावित उत्तर क्या होगा बच्चों का, मौलिक अधिकार। अब इस मौलिक अधिकार से क्या बन गया, हमारा प्रश्न बन गया कि भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए क्या प्रदान किए गए हैं। अब ये जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इस 3 नंबर के प्रश्न से हमें एक उत्तर निकालना है, और जो होगा हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब हम इसमें से एक उत्तर बनाते हैं, और उस उत्तर का जो उत्तर है वो होगा हमारा भारतीय संविधान, क्या होगा, भारतीय संविधान। अब इस भारतीय संविधान जो शब्द है इससे हम एक प्रश्न बनाना है, क्या करना है, 2 नंबर का जो प्रश्न है वो भारतीय संविधान उसका उत्तर होना चाहिए। तो हम 2 नंबर का प्रश्न बनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था। बच्चों का उत्तर क्या होगा,
भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो 2 नंबर का उत्तर क्या बन गया, भारतीय संविधान। अब हमारा जो 2 नंबर का प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था, इसमें से कोई ना कोई एक वर्ड उठाना है और वो वर्ड 1 नंबर का उत्तर होना चाहिए। तो हम इसमें से एक शब्द निकालते हैं, वो होगा हमारा 26 जनवरी को। अब 26 जनवरी ये हमने यहां से उठाया। अब 1 नंबर का जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, तो वो हम बनाते हैं, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ये हमारे जो टोटल 5 प्रश्न है ये हमने बनाए हैं। अब देखिए, इन्हें 5 से हमने 1 की तरफ चले, अब 1 से 5 की तरफ इनको क्रमवाइज करते हैं। तो जब हम इनको क्रमवाइज करते हैं, तो पहला हम प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि बच्चों भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों का उत्तर क्या होगा, 26 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ बच्चे गलत भी उत्तर देते हैं, तो वहां पर हमें सहायक प्रश्न पूछने, क्या करने हैं, सहायक प्रश्न पूछने कि बच्चों ये उत्तर नहीं है, कोई और तारीख बताइए। तो वहां पर बच्चों से क्या निकलवाना है हमें, 26 जनवरी, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 26 जनवरी से। तो बच्चों से हमें जो उत्तर है वो निकलवाना है, कैसे भी निकलवाइए, उन्हें सहायक प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर प्यार से कोई और डेट पूछ सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें 26 जनवरी चाहिए। अब उस 26 जनवरी से हमारा नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट होता है, 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था। तो बच्चे उत्तर क्या देंगे, भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, भारतीय संविधान, कि कुछ भी करके बच्चे क्या उत्तर दें, भारतीय संविधान उत्तर दें। और भारतीय संविधान से ही हम क्या करना है, 3 नंबर का प्रश्न बनाए, भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए क्या प्रदान किए गए हैं। तो बच्चे उत्तर क्या देंगे, मौलिक अधिकार। फिर मौलिक अधिकारों को उठाकर हमने रख दिया 4 नंबर के प्रश्न में, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो बच्चे क्या उत्तर देंगे, 6 प्रकार के। उसके बाद में 6 प्रकार को उठाकर रख दिया हमने 5वें प्रश्न में, कि 6 मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हो। तो ये प्रश्न क्या हो गया, बच्चों के लिए समस्यात्मक बन गया। तो आपको इस प्रकार से आपको अपने जो 5 प्रश्न है उनकी रूपरेखा तैयार करनी है। ये जो 5 प्रश्न है ये है हमारे प्रस्तावना कौशल के 5 प्रश्न। अब इन 5 प्रश्नों के बाद में जो समस्यात्मक प्रश्न बन गया है, 5वां प्रश्न, उसके बाद में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट रह जाता है, उद्देश्य कथन। क्योंकि प्रस्तावना होने के बाद में हम क्या करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा एक पॉइंट रहता है, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमें बच्चों को ये बोलना कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य कथन क्या हो जाता है, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो अध्यापक होता है वो टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करता है। तो टॉपिक जब भी हम क्लास में जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रस्तावना कौशल करते हैं। तो प्रस्तावना के जो 5 प्रश्न है हमें किस प्रकार से बनाने, तो हमें टोटल कितने प्रश्न बनाने हैं, पहले तो ये ध्यान में रखिए, 5 प्रश्न बनाने हैं। 5वां प्रश्न क्या होना चाहिए, समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। तो जो भी टॉपिक आप बनाते हो उसका सबसे पहले आप 5वां प्रश्न बनाइए, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। इस प्रकार से अगर आप प्रस्तावना कौशल बनाते हो तो आपका काफी टाइम बचेगा और आपका जो प्रस्तावना कौशल है वो सुव्यवस्थित रूप से बनेगी। क्योंकि हम पहले क्या डिसाइड करें, उत्तर डिसाइड करें, उसके बाद में उत्तर से प्रश्न बना लें, फिर प्रश्न से उत्तर बना लें, फिर उत्तर से प्रश्न बना लें। अगर आप इस प्रकार से क्रमवाइज चलोगे तो आपके जो 5वां प्रश्न है वो सही रूप से बनेंगे। लेकिन अगर आप पहले नंबर से स्टार्ट करते हो तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो कहीं का कहीं भी जा सकता है। क्योंकि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, भारत में गणतंत्र दिवस, आपको जाना कहाँ है, मौलिक कर्तव्य। तो पहले आप मौलिक कर्तव्यों को स्थायी कीजिए, क्योंकि आपका लास्ट प्रश्न क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हो। तो जो भी आपका प्रकरण है वो आप पहले डिसाइड कीजिए। अगर डिसाइड पहले कर लिया, उसके बाद में पहले पे जाने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही में एक चीज का और ध्यान रखिए, जैसे हमारा ये जो टॉपिक है मौलिक अधिकार, ये हमारा सामाजिक विज्ञान का। तो जहां तक हो सके हमारे जो प्रश्न होने चाहिए वो सामाजिक विज्ञान से संबंधित ही होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हिंदी में चले गए या फिर गणित में चले गए या फिर विज्ञान से जाकर आप फिर आ रहे हो सामाजिक विज्ञान में। नहीं, आपका ज्यादातर क्वेश्चन होने चाहिए वो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड ही आपको बनाने। जो भी हमने 5वां प्रश्न बनाए हैं इनका संबंध सामाजिक विज्ञान से ही है, ये सारे टॉपिक सामाजिक विज्ञान से संबंधित ही है। लास्ट के अंदर जैसे ही आप इनकी टिप्पणी करवाते हो अपने अध्यापक से,
उसके बाद में यहाँ पर जो पर्यवेक्षक होता है वो अपने सिग्नेचर करता है, और जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी आपने पढ़ाने में कुछ कमियां दी हैं या फिर आपका कॉन्फिडेंस सही है या नहीं है, बोलने का तरीका किस प्रकार से, तो वो आपको अध्यापक आपको बताता है। ये प्रस्तावना कौशल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और भी आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रस्तावना चाहिए हो या फिर कोई भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसके ऊपर भी अपना एक वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।